हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राजेश अजक्स मास्टर में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अजक्स फ्लोरी का हाइड्रोलिक ऑयल कैसे डालते हैं, गेज चेक कैसे करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, ये हमारा हाइड्रोलिक टैंक और इसके ये लो गेज है और ये हाई गेज है। तो गाइस, नीचे का गेज पूरा है और ऊपर का गेज खाली है पूरा। तो गाइस, अब सबसे पहले इसमें ऑयल डालेंगे। ये देख रहे हैं, दो जगह से ऑयल डलता है, इधर से बगैर फिल्टर का और गाइस इधर से फिल्टर का। तो गाइस, हम आज फिल्टर का ऑयल डालते हैं। तो इसको फिल्टर का ऑयल को इसे खोलते हैं। तो गाइस, फिल्टर का ऑयल भी इसी पानी से खुलता है और बिना फिल्टर का बोल्ट भी इसी पानी से खुलता है। तो गाइस, अगर बिना फिल्टर का डालना है तो उससे डाल सकते हो, उससे डायरेक्ट आपको गेज दिख जाता है, फिल्टर वाले से थोड़ा लेट गेज दिखता है। तो ये नीचे का गेज मेरा पूरा है, ऊपर का पूरा खाली है। तो गाइस, अभी आपके सामने मैं पूरा गेज भर के, आधा गेज भर के दिखाता हूँ, क्योंकि ऊपर का आधा गेज भरा जाता है, पूरा नहीं भरा जाता है। तो चलिए गाइस, देखिए मेरा फिल्टर एक खुल चुका है, फिल्टर दिख रहा है आपको। तो मैं इस फिल्टर को निकाल के रख दूंगा साइड में, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फिल्टर होते हैं, दो तीन फिल्टर। तो ये फिल्टर है, इसको मैं निकाल के अलग रख दूंगा। तो गाइस देखिए, मैं फिल्टर निकाल रहा हूँ। तो गाइस देखिए, इसमें ऑयल रहता है फिल्टर में, तो उस ऑयल को उसी में गिराने दीजिए। गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अजक्स फ्लोरी और जेसीबी से रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो गाइस, ये मेरी फिल्टर भाई, इसका ऑयल उसमें गिर चुका है। इस फिल्टर को मैं नीचे दे देता हूँ, क्योंकि वो ऑयल भी डालना है उसमें। तो गाइस, चलिए इस फिल्टर को नीचे दे देते हैं। गाइस, जो भी आपको क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, मैं आपके उसी क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। तो गाइस, चलिए इस फिल्टर को नीचे देते हैं। फिल्टर को नीचे देने के बाद इसमें आप ऑयल डालेंगे, इसमें जितना भी ऑयल है पूरा उसमें गिरने दीजिए। देखिए, दोनों एक गेज पूरा, एक गेज खाली है पूरा। तो देखिएगा, इस नीचे वाले को मैंने ये फिल्टर दे दिया है। अभी नीचे हमारा जेसीबी ऑपरेटर है विपन, तो इसको दे दिया है। अब देखिए, मैं इसमें हाइड्रोलिक ऑयल डाल रहा हूँ। तो गाइस, ये इसमें से डालते हैं ना तो ज़्यादा नहीं डालता है, इसमें क्या फिल्टर लगा रहता है भर जाता है, इसमें धीरे 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 इसमें से नीचे जाता है। तो इसके लिए एक है दूसरा उपाय, इसमें एक रॉड लीजिए, तो इसमें सीधा बीच में एक पिन रहता है, उसको दबाओगे ना तो स्पीड से ऑयल जाता है। तो गाइस, अभी मैं आपको दबा के दिखाता हूँ रॉड से, लेकिन उसके लिए सीधा रॉड चाहिए, मेरे पास सीधा नहीं है, टेढ़ा रॉड है। इसको बढ़िया अच्छी तरह साफ कर लीजिए, क्योंकि हाइड्रोलिक ऑयल में डालना है, पूरा मशीन हाइड्रोलिक से ही चलता है। आप कभी 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 भी ये गलती मत करना। देखिए, मैं इसको दबाता हूँ तो इसमें देखिए ऑयल स्पीड से जाएगा। देखिए, इतना ऑयल पहुँच चुका है, इतना ऑयल पहुँच चुका है गाइस। तो चलिए, इसमें देखिए, उसको दबाने से इतना ऑयल जल्दी पहुँच चुका है, वरना लेट पहुँचता। तो गाइस, मेरा टैंक खाली हो चुका है। अब इसमें दोबारा ऑयल डालूँगा मैं, क्योंकि गेज पूरा हुआ नहीं है। देखिए, मैं इसमें ऑयल डाल रहा हूँ। देखिए, ये पूरा मेरा भर चुका है, ये भर चुका है। तो देखिए, अब गेज में भी ऑयल जाएगा, उसको मैं दबा दूंगा। तो देखिए, एकदम से ऑयल मतलब स्पीड से उसमें पहुंच जाएगा नीचे टैंक में, क्योंकि इसमें से डायरेक्ट चला जाता है बगैर फिल्टर का। तो गाइस, देख सक पा रहे हैं आप, यानी कि मेरा आधा गेज हो चुका है। तो गाइस, ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।